प्रेस वार्तार उद्देश्य है बीजेडी गत काली एक घोषणा करिसेंती जे ओबीसी एवं एससीबीसी को रिजर्वेशन दिया जिवो तांको पार्टी रो प्रार्थी चयन समय रे 27 बार पंचायत इलेक्शन रे बीजेडी एक राजनीतिक दल हिसाब रे तांको दल रे काहा को टिकट देबे न देबे कोते परसेंटेज काहा को देबे तांकर सेटा निष्पत्ति एवं विभिन्न राजनीतिक दल तांकर केते परसेंटेज टिकट दौछन्ते काहा को थे तांकर इंटरनल मैटर मु बीजेडी ये निष्पत्ति तांकर कोन दलीय निष्पत्ति से संपर्क रे मु कहिया को चाहे ना मु केवल कहिया को चाहे बीजेडी रो ए घोषणा परे बीजेडी रो मानसिकता ओबीसी मान प्रति स्पष्ट होई अर्थात गत 20 वर्ष धरी नवीन पटनायक शासन रे जेबेठो मंडल कमिशन सारा देश रे लागू होई परठारू आज पर्यंत ओबीसी एवं एससीबीसी वर्ग को राज्य रे 27% जॉब रिजर्वेशन एवं 27% शिक्षा क्षेत्र रिजर्वेशन को दाबी करी आसला बेले कौनसी ना कौनसी आड़ रे से माने आकु अवॉइड करछंती एवं से रिजर्वेशन को देई नाती एवं से रिजर्वेशन जेते बेले एबे पार्लियामेंट रे डिबेट हला एवं कहा गला बीजेडी पक्षरु जे जेहेतु ओडिशा हाईकोर्ट रे आमर रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्रक डाउन कले 27% को जेहेतु एम्बार्गो अछि 50% रु अधिक रिजर्वेशन हेइ परिबो नहि जोंति पई आमे 11% 11.25% भीतर सीमित रखिछु जॉब रिजर्वेशन एवं शिक्षा क्षेत्र रे आदौ दिया जाय नहि आज पर्यंत आदौ दिया जाय नहि ओडिशा एकमात्र राज्य सारा समग्र देश रे जोंति ओबीसी छात्र छात्री मानको रिजर्वेशन नहि एवं एससी एसटी रिजर्वेशन तांकर 38.5 जगह रे मात्र 20% ताकु हायर एजुकेशन रे टेक्निकल एजुकेशन रे देछंती ए प्रश्न त बार बार उठे मु उठेई थली आगुरु जे अपन जदी स्ट्रक डाउन हैला अपन जाउना दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट को से माने एबे कहिसंती जे हमें सुप्रीम कोर्ट रे गोटे एसएलपी दाखल करी एसएलपी रो अर्थ किछ नै 17 मसिया रे एसएलपी देई घरे बस जाइछंती वकील देई नांती जे तांकर वकील थिले ताकु से भी नहंती किंतु आकु अर्जेंट मैटर हिसाब रे उठेबा कथा ताकु वर्तमान सुधा मेंशन करी नहंती जे एटा गोटे अर्जेंट मैटर ओडिशार 52% लोक एवं सेमानकर भाग्य निर्भर करछ आ उपरे से कथा को मेंशन करा जाय नै गत मार्च मास रे सुप्रीम कोर्ट रे एक बेंच जस्टिस अशोक भूषण को नेतृत्व रे जेतेबेले सबु राज्य को नोटिस आसला एवं डकागला जे 50% रु ऊर्ध संपर्कीय आपणकर मतामत कौन आप सुप्रीम कोर्ट को जणांतु एवं सुप्रीम कोर्ट आगे उपस्थित रहंतु जेतेबेले महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहला जे आमे 27% रिजर्वेशन परे भी 50% को टपिक मराठा मानकु अधिक रिजर्वेशन दबु से डिबेट जेतेबेले आसला सुप्रीम कोर्ट को से समय ओडिशा मुख्यमंत्री को पत्र लिखिली जे यही एक अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपण जदि आंतरिकता अछि ओबीसी रिजर्वेशन संपर्क रे 27% ताहले आपण जानतु सुप्रीम कोर्ट अन्य सब राज्य गले ओडिशा सरकार गत मार्च मास रे ए संपर्क रे गले नै सुप्रीम कोर्ट को कोन पई गले नै कोन पई गले नै जदि सुप्रीम कोर्ट डाकु जे तमे एसएलपी देकी घरे बस जे जेछ हाँ माने ये संपूर्ण ओबीसी को तांकर सांविधानिक अधिकार रु वंचित करिया पई एक विधिवद्ध षडयंत्र जो षडयंत्र बीजेडी एवं तार नेतृत्व बार बार करि जेतेबेले बीजेडी लोकंक भितरे आंदोलन आरंभ होला प्रधानमंत्री कहउछन्ती मु 27 जन मंत्री देछि मोर कैबिनेट रे एवं ओबीसी पई मु तांको ओबीसी कमिशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देछि एवं ओबीसी रिजर्वेशन एक स्पर्शकातर विषय राजनीतिक स्तर रे हलाणी सेते लागि नवीन पटनायक बाध्य है कि अटेंशन लोकंकर डाइवर्ट करिया पई असल समस्या ओबीसी रो से संपर्क रे आलोचना नकरी सेथुरु लोकंकर अटेंशन मु देबी रिजर्वेशन कोन पंचायत इलेक्शन रे अरे पंचायत इलेक्शन रे रिजर्वेशन थाउ के न थाउ ओबीसी रो
60% लोक जीतिकी आसुछन्ती तार मनुक मन आसिबे कारण तो जहाँ जी संख्या तार से रिप्रेजेंटेशन हो तुम टिकेट दियो कि न दियो तार सांगे जायज कौन अच्छे जो लिस्ट आप देखिए गत इलेक्शन होता जोन एससी एसटी को छाड़ला 90% होती ओबीसी एसीबीसी एवं जो मैंने जिला परिषद 30टा जिले जो मैंने रही वर्तमान भी सभापति जिला परिषद प्रेसिडेंट अच्छा से 30टा जाक जिले में एससी एसटी को छाड़ला अन्य सब जगह 95% होती ओबीसी एसीबीसी तुम रिजर्वेशन न था कि तो ये रिजर्वेशन में फास्ट कौन पाई तुम भी दफान कर आम देदेबू तुम क्या तुम पार्टी कैंडिडेट कर दैट इज अप टू यू किंतु सेमानकर संवैधानिक अधिकार तंका पिला मेडिकल पढ़े पिला इंजीनियरिंग पढ़े कहीं दे आज पर्यंत एवं जदि नीट रे 27% केन्द्र सरकार देले ताहले ओडिशा सरकार नीट रे ओडिशा रे जाउछ 150 सीट दिल्ली को एठे प्राय 1950 2000 सीट ओडिशा रे मेडिकल ले अछि से यदि तुम छाड़ 27% न देखिए 11% भी दे था 150 इंजीनियर पिला पाई था एससी एसटी सेमती जदि तुम 38.5% दबो ताले से केते पाइबे से हाराहारी 800-900 पिला मेडिकल पढ़ी पारे ताको अवॉइड कर असल कथा पचारे ना तुम डाक्तर हमार योग्यता ओबीसी एससीबीसी पिलांकर नहीं कि एससी एसटी पिलांकर नहीं तुम्हें से लिमिट रुह एवं ओबीसी पे नील ये संपर्क प्रश्न उत्तर मुख्यमंत्री देवे ना बीजेडी सभापति से राज्य मुख्यमंत्री से ए प्रश्न जवाब किए दबो एवं से धरी नहीं जहाँ कह बड़ बड़ अक्षर खबर कागज बाहरी गला विराट कम बोधे कर मुख्यमंत्री जदि राजनीतिक स्तर में एक सामाजिक न्याय को प्रतिष्ठा करने को चाहती मुख्यमंत्री एवं से दिगरे कमिटमेंट अच्छी मोर प्रस्ताव हूँ मुख्यमंत्री निकट में ओडिशा विधानसभा 147 जन विधायक बीजेडी रो विधायक होती वर्तमान 114 विधायक भितर आप देखिए मंत्री होती 21 जन समुदाय मंत्री कैबिनेट एवं एमओएस मिसाइक मंत्री होती 21 जन मुख्यमंत्री एवं अन्य 20 जन मंत्री कैबिनेट मंत्री 12 जन एवं मिनिस्टर ऑफ स्टेट 8 जन 9 जन ये 21 जन तो 21 जन भितर एससी कम्युनिटी जहाँ संख्या राज्य हूँ 16% एवं तांकर विधानसभा एमएलए बीजेडी एमएलए अच्छा प्राय 23 जन विधायक एसटी सेमती एससी आउ एसटी विधायक संख्या हूँ 46 जन बीजेडी तांकर मंत्री के जन तांकर मंत्री होती जड़े कैबिनेट मंत्री होती आदिवासी जड़े दलित मंत्री होती कैबिनेट रे आउ जड़े दलित होती एमओएस आउ दु जन एमओएस होती ट्राइबल तम मैंने 3-2-5 जन 40% लोकसंख्यार से 46 जन विधायक से जन मंत्री 5 जन एवं अन्य पटे ओबीसी लोकसंख्या केते 52 भाग 52 भाग लोकसंख्या होती मंत्री के जन अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6 जन मंत्री कैबिनेट मंत्री एवं एमओएस एमओएस कहीं ना एमओएस कहीं ओबीसी कहीं एमओएस नहांती अर्थात 52 भाग लोकों भितर 6 जन होती मंत्री ओबीसी एसीबीसी एवं अन्य संप्रदाय ये हेले 52.5-39% ये समुदाय मिसले के तहला प्राय 94 भाग माइनोरीटी मिसले 94 भाग लोकों पर समुदाय मंत्री पद 21 जन मंत्री पदर मात्र 10 जन
आ 6% पई 6% रे को माने रहले ब्राह्मण करण एवं अन्य जाति जो माने उच्च वर्णर से माने होचंती मात्र 6% से माने होचंती के जन मंत्री 4 जन कैबिनेट मिनिस्टर एवं 5 जन एमओएस 9 जन मुं नवीन पटनायक को अनुरोध करी यदि पंचायत स्तर में तुम 27 जिते परसेंट दि देवा दे, दे, आम संख्या अनुसार से जो मैं संख्या तुम्हारी पार्टी लोक किए मंत्रीटा हे कि कौन हम से विषय कहीं कौन पाइए इनजस्टिस जदि राजनीतिक व्यवस्था रे केतटा चौकी का पाई पड़ संख्या जार जी चौकी पड़ से जार जी संख्या से चौके मिल कैबिनेट रे का जार जी संख्या तार से चौक कहीं मिलने मूल प्रश्न मोर हूँ एटा जदि एक मत बाध्य करागला कहवाप मुझे एक उठे नी कि उठे उद्देश्य मोर नाला जोबले मुख्यमंत्री राजनीतिक स्तर रे एक कथा को उठेवा को आरंभ कर ना ओबीसी मान को मुझे रिजर्वेशन देवी भाई अन्य मान को अन्य स्तर रे कौन रिजर्वेशन हम तुम कैबिनेट रे मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री माने से माने कौ वर्गर मुझे जाति आधारित आक्षेप प्रत्याग करने को चाहू नी मुख्यमंत्री एवं बीजेडी एक आरंभ कर समुदाय आपणकर ब्राह्मण मानकर संख्या एमएलए विधायक बीजेडी विधायक मानक भितर से मानकर संख्या हूँ 12 जन तर मंत्री कई जन मंत्री 4 जन ना 5 जन आ करोड़ मानक संख्या केते लोक संख्या मुख्यमंत्री एवं तांकर सांगरे आउ 3 जन मंत्री कौन पाए कौन पाए जदि भाग हम एवं जाति आधार रे जनगणना करा जाए जीवाप मुझे दावी करुच्ची तल जाति आधार रे कैबिनेट रे भी सही हिसाब से बसवे लोक विधायक अच्छा कौन योग्यता नहीं मंत्री हाँप से लगे मोर मुख्यमंत्री को अनुरोध जदि से एक इतिहास सृष्टि करने को चाहते जहाँ निजी एक जड़े ओबीसी दल जड़े ओबीसी किंबा एससी एसटी भितर मुख्यमंत्री कर 20 वर्ष मुख्यमंत्री रहले दल जन मुख्यमंत्री कर कौन असुविधा अच्छे जदि आंतरिकता अच्छी एससी एसटी ओबीसी ताले मुख्यमंत्री करातु जन को से ही वर्गर जो मान संख्या हूँ 94% एवं आउ 3 जन उपमुख्यमंत्री करे जदि दलित न हो पारे मुख्यमंत्री ताले तांकर जन उपमुख्यमंत्री जदि आदिवासी जदि जदि मुख्यमंत्री हेले रहिले जदि आदिवासी मुख्यमंत्री नहले उपमुख्यमंत्री अंतत रहिबे ओबीसी एमती जदि मुख्यमंत्री नहबे ताले उपमुख्यमंत्री रहिबे कौन असुविधा होछ तेणुक मुख्यमंत्री जो बल टी रास्ता को गड़ेच तार लॉजिकल एंड पर्यंत से बल जीव ही जीव आपको कई अटक पारे ना ये डिबेट राज्य हम गत काली आरंभ हो डिबेट को आहरी गाँ गंडा भितर को निजी संख्या जार जिते भाग पाइब से डिबेट हम तुम्हें आमको ललिपप देखाओ नहीं तुम पार्टी क्या टिकेट दब न दब दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी बट संविधान ने जहाँ देखाई से संविधान दि मुकता कहीं कौच प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेन्द्र मोदी से निजे कहते मुझे ओबीसी बोली अभी प्रधानमंत्री निजक परिचय दौरान सारा विश्व आगे जे मुझे जो पछुआ वर्गर लोक भल कथा से पछुआ वर्गर लोक एवं मो कैबिनेट 27 जन मंत्री एवं मुख्यमंत्री भी छिड़ा है कि प्रधानमंत्री की भाया कहतु मोर जाति संपर्क में कहतु एवं केते जन जातिर मंत्री अच्छा अन्य जातिर मंत्री अच्छा से कथा ओडिशावासी जन दिं अनेक समय मत मोपर अभोग हुए जे मो मंडल कथा कौच मुझे कौन से निर्दिष्ट जाति संपर्क में केवे आज पर्यंत कही ना मुझे वर्ग उपर ये यही वर्गर लोक दि जाऊ वर्गर लोक ओबीसी वर्ग में 500 जाति थे मुझे कहूँ पर्टिकुलर जाति की दि जाऊ
ଏବଂ ଆମେ ଏଇଥରକେ କହୁଥିଲୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ଜାତିର କେତେ ଲୋକ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଏବୁଲ୍ ଡାଟା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଜାତିର ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାହାର କମୁଥିବେ କାହାର ବଢ଼ୁଥିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। 1931 ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା, 31 ବ୍ରିଟିଶ ସମୟ ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରିକି 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତି ସେନ୍ସସ୍ରେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଦାବି ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରାଯାଉ। ଏବଂ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହେଲେ କେଉଁ ଜାତି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ସମାଜରେ ତାକୁ କେମିତି ଉପରକୁ ଅଣାଯିବ, ରାଜନୀତିକ ଅଧିକାରକୁ ଦିଆଯାଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ଏବଂ ରାଜନୀତିକ ଅଧିକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ। ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସବୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଲା, ସେଠି 70% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାହାରୁଛି 70% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି ଓବିସି ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରଖାହୋଇଛି। ଏଠି କେତେଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କେତେଟା ଏଜେନ୍ସି ଏଠି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡିଲରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବର୍ଗ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇକୋନୋମିକ ପାୱାର ଦିଅ। ତୁମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କାଲି ତ ଅଗଷ୍ଟ 16 ଦିନ ଦୟାକରି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଓବିସି ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କୌଣସି ନା ଦଲିତ ନା ଆଦିବାସୀ ନା ଓବିସି ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାକିରି ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ପିଲା ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ସେ ଚାହିଁବ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା କିଣିବା ପାଇଁ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିବ, ସେ ଓବିସି ପିଲାଟିଏ ଦଲିତ ପିଲାଟିଏ, ସେ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନକୁ ଯିବ, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା କିଣି, କ୍ୟାମେରାଟା କିଣିଲେ ସେ ତାକୁ ଭଡ଼ା ଲଗାଇ ପାରିବ, ନିଜେ ଚଲାଇ ପାରିବ, କେଉଁଠି ବାହାଘର କାହାର କାମ ହେଉଛି ତା'ର ସେଠି ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିବ। ମୁଁ କାହିଁକି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି, କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଦେବ? ତ ସରକାର କହିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ୱାଲିଟରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ ନାହିଁ ଏହି ବର୍ଗର। କେତେ ଦିଆହେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି? ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ, ଓବିସି ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାହିଁକି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କାହିଁକି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇନାହିଁ ସେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରମାନଙ୍କୁ? ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଭୂଷଣକୁ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇକି ତାକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, କେତେ ନନ୍ ପରଫର୍ମିଙ୍ଗ ଆସେଟ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଛି କୋଟି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଠକିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଇପାରିବେ। ନା ମୁଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି, ସେଠି ଠିକାଦାରୀ କିଏ ନା ବାହାରୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଠିକାଦାର ଆସିକି ରେଜିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେବ। ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରେଜିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଏଠି କ'ଣ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେହି ନାହାନ୍ତି? ଏଠି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେହି ନାହାନ୍ତି? ଏଇ ବର୍ଗରୁ କୌଣସି ପିଲା ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କୌଣସି ବର୍ଗ ବି କଥା କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କାହିଁକି ଦିଆଯିବନି? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏକ ମାମୁଲି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଏକଥା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲା, ରାଜନୀତିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଜଣେ ଓବିସି ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏସ୍ଟି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁପ୍ରିମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏହି ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ଭାନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଟା ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ,
ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଅନୁମତି ଦେବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମ ସରକାରରୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ। ତା ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅ, ସରକାର ଗଲା ଭାରତ ସରକାର। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନତା ଦଳର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ସବୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇବି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ 94% ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ମୋରି ଦଳର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା କିଏ 5 ଥର 6 ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛି, କିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଛି, କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ବିଧାୟକ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବାଛିବେ। ଆପଣ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡ଼ର ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେୟାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଲୋଭ ରହିବ, ତାହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର 3 ଜଣଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ, ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ନବୀନବାବୁ ଚାହୁଁଛ, ଇଏ ଛୋଟିଆ ଖେଳ ଖେଳନି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୁମେ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ କାହାକୁ ଟିକେଟ, ସେମାନେ ଜିତିକି ଆସିବେ ସେଇ ବର୍ଗର ଲୋକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା। କାହାକୁ ଭୂତ ବୁଲଉଛ? ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିବି ଆଜି, ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିକି ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ହେଇଗଲା, ଏନଫ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଶାସନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭୋଟ ପାଇବ ଯଦି ଏ କାମ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ଏକଥା କରିବେ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ନିଜେ ଅମର ହୋଇଯିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ, ମୋର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।